अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू ऑल नो, दिस इज़ अवर मैथ सब्जेक्ट एंड वी एक्चुअली इन अवर लास्ट क्लास वी वर डूइंग द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दैट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड। वी आर रिवाइजिंग अवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट विच वी हैव बीन लर्निंग एंड इट्स टाइम टू रिवाइज दैम। ऑलराइट, so please take out your books, page number 18, chapter number 2, and the chapter number 2 is all about arithmetic operations. Arithmetic is basically branch of mathematics ki, just like algebra. So what's the answer? So today we are going to we are starting with an introduction video, ताकि हमें पता चल जाए, थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है। हम लोग स्टोरी से स्टार्ट लेते हैं हमेशा। यू गाइज आर फेमिलियर विद इट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दैट स्टोरी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 18। एंड सबा एंड हर यंगर ब्रदर अली वर डूइंग देयर होमवर्क। सबा और उनके जो भाई थे छोटे अली, वो अपने क्लास होमवर्क कर रहे थे। अली लुक्ड सैड, अली बहुत उदास लग रहे थे। सबा आस्क व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अली, ही सेड आई कांट सॉल्व दिस एडिशन प्रॉब्लम। तो वो होमवर्क अपना सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करते करते अली थोड़े परेशान लग रहे थे ना। तो उनकी बहन ने पूछा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अली, यू डोंट लुक फाइन, यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड। सो ही सेड आई कांट सॉल्व दिस एडिशन प्रॉब्लम, मुझसे एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। सबा सेड दिस इज़ सो ईजी बाय ग्रुपिंग, अगर हम रीग्रुपिंग करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अली लुक्ड पजल्ड, अली थोड़े पजल्ड लग रहे थे, थोड़े परेशान लग रहे थे, थोड़े कन्फ्यूज लग रहे थे। सबा स्माइल्ड एंड वेंट इनटू हर रूम, ब्रॉट सम पेंसिल्स एंड टू एम्प्टी जार्स एंड पेंसिल्स। सबा ने हंस के देखा अपने भाई की तरफ और सबा जो है अपने रूम में चली गई। ब्रॉट सम पेंसिल्स, कुछ पेंसिल्स और एम्प्टी जार लेकर आई। अब देखते हैं सबा ने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। देन सैड काउंट दीज पेंसिल्स, सबा ने अपने भाई को मशवरा दिया कि प्लीज़ ज़रा पेंसिल्स काउंट करके बताएँ कि हाउ मेनी आर देम। अली काउंटेड एंड सेड दीज आर 13 पेंसिल्स। अली ने काउंट किया और बताया कि टोटल पेंसिल्स 13 हैं। देन सबा सेड दिस इज़ वन ग्रुप ऑफ 13 पेंसिल्स, ये एक ग्रुप है 13 पेंसिल्स का। नाउ काउंट ओनली ग्रीन पेंसिल्स, अब मुझे ये काउंट करके बताएं सिर्फ ग्रीन पेंसिल्स की कितनी हैं टोटल ग्रीन पेंसिल्स। अली काउंटेड एंड सेड 3 पेंसिल्स आर ग्रीन, अली ने काउंट किया और बताया कि 3 पेंसिल्स हैं ग्रीन। सबा सेड नाउ काउंट ब्लैक पेंसिल्स, सबा ने कहा ब्लैक पेंसिल्स काउंट करके बताएं। अली काउंटेड एंड सेड 10 पेंसिल्स एंड 10 पेंसिल्स आर ब्लैक। तो अली ने बेसिकली काउंट किया, बताया 3 पेंसिल्स ग्रीन हैं, 10 पेंसिल्स ब्लैक हैं। तो बेसिकली सबा उनकी ये चीज़ें नोट कर रही थी। सबा रोड वंस वन एम्प्टी जार विद अ मार्कर एंड टेंस ऑन एम्प्टी जार, वंस लिखा उन्होंने एक जार पे जिसके अंदर एम्प्टी था और टेंस वंस टेंस टेंस किस पे लिखा, दूसरे एम्प्टी जार पे। देन सबा सैड पुट ग्रीन पेंसिल्स इन वन जार एंड ब्लैक पेंसिल्स इन टेंस जार। सबा ने अली को कहा कि जो वन यूनिट्स सिंगल वैल्यूज़ का जो हमने बॉक्स बनाया है जार, उसमें डाल दीजिए कौन सी पेंसिल्स, ग्रीन पेंसिल्स, और ब्लैक पेंसिल्स डाल दीजिए टेंस के जार में। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्टोरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है स्टोरी के बिहाइंड। अली डिड दैट, अली ने बिल्कुल वही किया जो उनकी बहन ने उन्हें कहा करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड रीग्रुपिंग, इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। यू हैव मेड टू ग्रुप्स, वन ग्रुप ऑफ 3 पेंसिल्स एंड वन ग्रुप ऑफ 10 ब्लैक पेंसिल्स। आपने रीग्रुपिंग की, ग्रुप्स बनाए ब्लैक पेंसिल्स का, ग्रीन पेंसिल्स का, और उसके बाद विच मीन्स 3 वंस एंड 1 10। इसका ये मतलब हुआ कि 1 की वैल्यूज़ हैं 3 और 10 की वैल्यूज़ है 1। नाउ कम टू योर प्रॉब्लम, अब आइए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शी रोट द प्रॉब्लम ऑन रफ़ पैड एंड एक्सप्लेन, फिर सबा ने क्या किया कि एक रफ़ पैड पे ये प्रॉब्लम लिखी और उनको समझाया कि यू हैव टू ऐड 16 एंड 17, 6 एंड 7 आर वंस बिकॉज दे आर लेस देन 10।
टेंथ से जो लेस वैल्यूज़ होती हैं हमको वंस में शामिल करते हैं, यूनिट्स में, एंड ऐड देम फर्स्ट, उन्हें पहले ऐड कीजिए. नाउ देयर आर थ्री वंस, अब तीन वंस बच गए. एंड राइट इन वन टेन, देन राइट दिस थ्री इन वन प्लेस एंड राइट वन विद टेंस. थ्री कहाँ लिखेंगे? राइट दिस थ्री इन वंस प्लेस, वन का जो कॉलम था उसमें हम थ्री लिखेंगे, और राइट वन इन टेंस, टेंस का जो कॉलम होगा वहाँ पे हमने क्या लिखना होगा? वन. नाउ ऐड टेंस, यू हैव थ्री टेंस, योर आंसर इज 33. अली वॉज सो हैप्पी टू नो दिस, ही सेड वो थैंक्स अ लॉट फॉर टीचिंग मी एडिशन बाय रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? कॉलम्स बनाते हैं, यूनिट्स, टेंस, एंड दिस कॉलम विल कीप इंक्रीजिंग. जितना बड़ा नंबर होता जाएगा ये कॉलम इंक्रीज करता जाएगा, ये रॉज इंक्रीज करती जाएंगे. तो अभी छोटे नंबर्स को एडिशन करना था. यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट और टेन का कॉलम बना हुआ है. यूनिट में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो टेन से छोटी होती है, टेन में जो होती ही टेन है, और ग्रेटर देन टेन. फिर इस तरह के आगे आप सीखेंगे, हंड्रेड की ग्रुपिंग होगी, थाउजेंड की ग्रुपिंग होती. वी हैव डन रिसेंटली, हमने ये किया चैप्टर नंबर वन में, तो आई एम श्योर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे. यू गाइज आर वेरी स्मार्ट माशाल्लाह. सो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक पेज अटैच किया जाएगा रिसोर्स लिंक का, जिसमें टर्मिनोलॉजीज गिवन है. टर्मिनोलॉजीज सच एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रीग्रुपिंग एंड एडिशन. ठीक है, तो आप इन तीनों को नोट करें, रिवाइज करें, समझें, लर्न करें. ठीक है, दिस इज़ रिविजन क्लास, राइट? सो इन अवर नेक्स्ट क्लास जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. अपना खूब सारा ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.